भाग बच्चों, हमने इसके पिछले वीडियो में पाठ का वाचन किया, पाठ को समझा, उसकी शिक्षा ग्रहण करी। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे, तो मैं आपको जो जो अभ्यास कार्य है वो समझा रही हूं। पहला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब एक वाक्य होता है, उसके बदले में एक शब्द आता है। जो गणित में निपुण हो उसे कहेंगे गणितज्ञ। राजा का महल राजमहल होता है। अब दूसरी एक्सरसाइज है, सत्य असत्य लिखिए। या तो एक जगह सत्य आएगा या असत्य आएगा, दोनों तो एक साथ आएंगे नहीं, तो एक वाक्य में एक ही चीज आएगी। गुलीवर टापू पर काम करता था। गुलीवर तो जहाज पर काम करता था बच्चों, तो ये वाक्य असत्य होगा। ब्लेफुस्कू का सम्राट बहुत शक्तिशाली था। हाँ, उसने शक्तिशाली बेड़ा तैयार किया था, तो शक्तिशाली था, वो आक्रमण करना चाहता था लिलीपुट पर। गुलीवर ने पहली बार इतना छोटा आदमी देखा था। ये सही बात है, गुलीवर ने पहली बार बोना छोटा आदमी देखा था। वहां के निवासी बड़े अच्छे इतिहासकार थे। बच्चों, वहां के निवासी इतिहासकार नहीं थे, वहां के निवासी गणितज्ञ थे, तो ये वाक्य गलत होगा, असत्य होगा। ऐसे बहुत सारे पुस्तक में से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो सत्य असत्य के रूप में आपको P1 में आ सकते हैं। आपको पूरा पाठ अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक वाक्य को पढ़ना होगा, क्योंकि कहीं से भी सत्य असत्य सही विकल्प चुनिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द कुछ भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आगे चलती हूं मैं। सही उत्तर चुने। लिलीपुट के लोगों की ऊंचाई कितनी थी? 4, 5, 6। वहां के लोगों की ऊंचाई थी 6 इंच। कितनी बच्चों? 6 इंच। गुलीवर की चौकसी में, चौकसी मतलब चौकीदारी में, कितने आदमी लगाए गए थे? 300, 400, 500। तो बच्चों इसका उत्तर है 500। और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको बन सकते हैं पाठ के आधार पे। आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो अंडरलाइन करना कि इसमें से कोई प्रश्न बन सकता है, जिसके कारण आपको P1 में कभी कोई परेशानी नहीं